Hi everyone, very warm welcome you all on this channel, Angler Zone. And in today's video, we are going to discuss famous quotations of Sean Goldsworthy's plays and dramas. Yes, we the important. वीडियो डिस्कस करने वाले हैं जॉन गार्ल्स वर्दी से रिलेटेड जिनमें हम उनके इम्पोर्टेंट कोटेशंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं एंड ये वीडियो पूरा उनके कोटेशन से रिलेटेड होगा और साथ ही साथ कोटेशन किस वर्क से लिया गया है और वो वर्क उनका लिटरेरी वर्क किस ईयर में पब्लिश पब्लिश हुआ है मैं वो सब यहाँ पर डिस्कस करूँगी इस वीडियो में सो so आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन्स मिलने वाले हैं जॉन गार्ल्स वर्दी से रिलेटेड और फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज दैट इन ईयर जॉन गर्ल्स फॉर लिटरेचर यस जॉन गर्ल्स को किस ईयर लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है आप कमेंट करके मुझे बताइए कि किस ईयर उन्हें नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है तो आप समझ सकते हो कि ही वाज दी इम्पॉर्टेंट एंड फेमस एंड मोस्ट

वीडियो के लिंक जरूर देखिएगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अदर वीडियोज़ जो मैंने अपलोड करे हुए हैं इस चैनल पर इंपॉर्टेंट जॉन गार्ल्सवर्दी के बायोग्राफी से रिलेटेड उनके इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज़ जो मैंने डिस्कस किया हुआ है इस चैनल पे आपको उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वहाँ पे जाकर के क्लिक करके देख सकते हो अगर आपको राइटर्स वाइज देखना है पोएट्स वाइज देखना है तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के मैंने अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है चैनल पोएट्स को राइटर्स को एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टाइम को क्वेश्चन को एंड साथ ही साथ पीरियड्स को यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर रखा है आप प्लेलिस्ट पर जा करके उन सभी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आप उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो और इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो इस चैनल पर प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर इफ यू लाइक द वीडियो विद योर फ्रेंड्स इन योर लिटरेरी ग्रुप्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो एंड फ्रेंड्स हियर वी हैव द फर्स्ट कोटेशन फ्रॉम द वर्क ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी वी हैव योर द वर्ड्स इज अ फाइन प्लेस फॉर दोज हु गो आउट टू बी टेक इट देयरस लॉट ऑफ अननोन स्टफ इन इट एट दिस इज द कोटेशन वेरी फेमस कोटेशन फ्रॉम द वर्क ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी दैट इज अ मैन ऑफ डिवोन इट इज अ फिक्शनल वर्क एंड इट वाज पब्लिश इन दर ईयर 1901 ये जो फिक्शनल वर्क था जॉन गार्ल्स वर्दी का जो किड एंड वन में पब्लिश हुआ है अ मैन ऑफ डिवॉन दिस इज द वर्क फ्रॉम विच दिस कोटेशन दर्ड्स अ फाइन प्लेस फॉर हु गो आउट टू टेक इट दो लॉट ऑफ अनोन इट यहाँ पे बात हो रही है कि इनके लिए जो एडवेंचर करना चाहते हैं जो रियल में किस वर्ड को समझना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही फाइन जगह है बहुत ही अच्छी जगह है बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स टू नो वॉट इज हियर ऑन दिस अर्थ दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस कोटेशन टेकन फ्रॉम अ मैन ऑफ डिवॉन नेक्स्ट वी हैव द कोटेशन जस्टिस इज अ मशीन दैट वैन समन हैज वंस इट द स्टार्टिंग पोस्ट रोल्स ऑन ऑफ इट सेल्फ दिस इज टेकन फ्रॉम द प्ले फ्रॉम द ड्रामा ऑफ जॉन गार्ल्सवर्धी जस्टिस एट सेकेंड में ये बात कही गई है ये कोटेशन एट सेकंड से लिया गया है जस्टिस के और जब जो कि प्ले जो पब्लिश हुआ था नाइनटीन हंड्रेड एंड टेन में ये जॉन गार्ल्सवर्धी ने पब्लिश कराया था नेक्स्ट वी हैव द कोटेशन लाइफ वॉज टू बी लिव्ड ये दिस इज द नेक्स्ट कोटेशन फ्रॉम द डार्क फ्लावर दैट इज द फिक्शनल वर्क एंड पब्लिश इन दर नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टीन दिस इज द फिक्शनल वर्क जो कि 1913 में पब्लिश हुआ है द डार्क फ्लावर नेक्स्ट वी हैव ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन फ्रॉम द वर्क फ्रॉम द लिटरेरी वर्क ऑफ जॉन ऑन गर्ल्स फॉर दी वी हैवर एंड दिस इज टेकन फ्रॉम बियॉन्ड दिस इज ऑल्सो अ फिक्शनल वर्क जो कि 1917 में पब्लिश हुआ है येस नाइनटीन सेवनटीन का ये पब्लिशकेशन है फिक्शनल वर्क है बियॉन्ड एंड दिस इज द कोटेशन ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल दोल क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से ही पूछा जाएगा आपको कोटेशन दिया रहेगा ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको उस ऑप्शन में से राइट करेक्ट आंसर चूज करना होगा सो यहाँ पे मैंने किस जॉनर से वो बिलोंग करता है एंड साथ ही साथ किस ईयर में पब्लिश हुआ है एंड किस वर्क से उनके किस लिटरे वर्क का ये फेमस कोटेशन है ये सब कुछ मैंशन कर रही है आप प्लीज इसको नोट डाउन करते चले जाओ या आप स्क्रीन भी ले सकते हो इस वीडियो का जो भी यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट कोटेशन यहाँ पे मैंशन कर रखा है नेक्स्ट वी हैव समर 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 द साउंडस ऑन द ग्रास दिस इज द इम्पोर्टेंट कोटेशन फ्रॉम दी मास्टर पीस ऑफ जॉन गर्दी वी हैव इंडियन समर ऑफ Foresight that is published in the year nineteen hundred and eighteen. Yes, this work, the Indian Summer Indian Summer of Foresight, this is a masterpiece of John Goldsworthy, ki nineteen eighteen may publish. Next important quotation we have: public opinion always in advance of the law. This is the also important quotation from the windows. This is a play.

What one is, and one's mouth, what one becomes. This is flooring wilderness. Wilderness that is published in the year 1932. This is the work from by John Galsworthy, and this quotation is from this work. Next, we have: If you do not think about the future, you cannot have one. Yes. बहुत ही फेमस कोटेशन है जॉन गर्ल्स पर्दे का यहाँ पे बात हो रही है इफ़ यू डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर यू कैन नॉट हैव योर अगर आप अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचोगे तो आप उसे नहीं पा सकते हो ये कोटेशन में है हमारे जैसे हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और अगर हमारे हमने टारगेट नहीं किया कि हम इस एग्जाम को हमें क्लियर करना है इस एग्जाम के लिए हमें पूरी अपना हार्डवर्क देना है हंड्रेड परसेंट देना है तो हम डेफिनेटली उस एग्जाम को नहीं क्लियर कर सकते हैं बिकॉज विल पावर इज इम्पोर्टेंट और यहाँ पे वही बात कही है उस चीज को आप नहीं पा सकोगे दिस इज द कोटेशन एंड यू वेरी मोटिवेशनल कोटेशन फॉम बाइ जॉन गार्ल्स एंड दिस इज टेकन फ्रॉम सोन सॉन्ग दर्ड बुक इन दैलॉजी अ मॉडर्न कॉमेडी मॉडर्न कॉमेडी जो इनका थर्ड ट्रायोलॉजी जो फॉरसाइट सागा इनका वर्क है उसे मॉडर्न कॉमेडी से ये लिया गया है सॉन सॉन्ग एंड दिस इज पब्लिश इन द ईयर 1928 अ मॉडर्न कॉमेडी नेक्स्ट वी हैव हियर म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर इन द प्ले यस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन किस प्ले से लिया गया है दिस इज फ्रॉम जस्टिस प्ले की बात हो रही है म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन ट्रायल सीन म्यूट सीन से समझ जाओ कि आप ये किसी प्ले के बारे में बात हो रही है एंड दिस इज टेकन फ्रॉम हिज प्ले जस्टिस हिज ड्रामा जस्टिस दैट वॉज पब्लिश इन दर नाइनटीन हंड्रेड एंड टेन नेक्स्ट वी हैव एंड दिस इज लॉट लास्ट कोटेशन ऑफ दीडियो वी हैव हियर लॉ इज वॉट इट इज अ मेजेस्टिक एडिफाइज

law is what it is a majestic edifice sheltering all of us yes you see these all are the important quotation we have here इन दिस वीडियो मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कोटेशन थे उन्हीं को इंक्लूड किया है क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ दैट वर रिटर्न दैट वॉज कोटेड बाई जॉन गर्ल्स वर्दी इन हिज वर्क इन हिज नॉवेल्स एंड ड्रामाज बट आई हैव मैंशन ओनली इम्पोर्टेंट दैट वर आज इन योर प्रीवियस एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करिएगा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वीडियो में जो मैंने फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा था आपको उस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट सेक्शन में देना है What was the year in which he got the Nobel Prize for Literature? John Galsworthy got the Nobel Prize for Literature? In which year you have to go for this right answer in the comment section of comment section. comment And uh, please friends, check out the other videos uploaded on this channel and thank you very much for watching this.